10 = 20 विथ प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 10 = 20 कैसे होगा, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि 100 - 100 = 100 - 100। क्या मैंने ये वाली लाइन एकदम सही लिखी है कि नहीं, आप लोग मुझे ये बताइए भाई। 100 - 100 भी जीरो होता है, 100 - 100 भी जीरो होता है, तो यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है मैंने। अब देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने इस 100 को लिखा मैंने 10 का वर्ग। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं ना कि 10 का वर्ग 100 होता है, तो मैंने इसको 10 का वर्ग लिख दिया। अब माइनस इस 100 को भी मैंने लिख दिया 10 का वर्ग, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ तक। अब आगे क्या है, बराबर। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से 10 को कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से 10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10 - यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10। ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए। क्योंकि भाई 10 × 10 कितना हो गया, 100 - 10 × 10 कितना हो गया, 100। यहाँ तक तो बात हम लिए एकदम सही लिखी है। अब देखिए दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है, 10 का वर्ग, माइनस बी क्या है, 10 का वर्ग। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 10 + 10 और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी यानी कि 10 - 10। फॉर्मूला मैंने लगाया है और कुछ नहीं किया है, बराबर 10 × 10 - 10। अब यहाँ तक मैंने एकदम बात सही लिखी है कि नहीं, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बात बताइए। यहाँ तक मैंने कोई गलती नहीं करी। अब आगे देखिए, ये वाला और ये वाला कोष्टक कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, आप लोग मुझे पहले ये बताइए कि 10 - 10 = 10 × 10 - 10। ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं, आप लोग मुझे पहले ये बताइए। बिल्कुल हो रहे हैं, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बच गया, 10 + 10 = यहाँ पर क्या बच गया, ये तो कैंसिल हो गया है 10, और 10 + 10 कितने होते हैं, 20 = कितना है, 10। ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 10 = 20। आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर कट आप लोगों के पास आंसर है, और मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर 100 - 100 किया और आंसर ले आया, और एक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 10 = 20 प्रूफ कर दिया है। आप लोग इस ट्रिक को अपने दोस्तों के साथ आजमाइएगा और उनको देखिएगा और उनका रिएक्शन कैसा रहता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि भाई 10 = 20 कैसे होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।